बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? हाँ कर दिया होगा, मैं मुझे पता है, आप पूरा यकीन है आप कर देते होंगे सब्सक्राइब। खैर आज जो है वो मंडे, मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मेरी थोड़ी सी हालत आप देख सकते हो, थोड़ी सी डिस्टर्बल पड़ी है, बाल भी काफ़ी बड़े हैं, इसके लिए मैंने टोपी पहनी हुई है, अभी टोपी पहनूंगा कैसे। खैर तो अभी चलते हैं, बाल वगैरह कटवा कर आते हैं और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। खैर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले बाल कटवा के आते हैं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं आपके लिए, ठीक है? तो खैर बाइक यहाँ पे खड़ी है, अभी बाइक को लेकर निकलते हैं। बाकी आपको सरप्राइज भी देना है, तो सरप्राइज है वो ऑलमोस्ट मैंने उस अच्छा गेस कर लें, जितने तक मैं बाल वगैरह कटवाऊंगा आप गेस कर लें कि क्या चीज़ होगी सरप्राइज में, ठीक है? तो वो उस चीज़ का नाम मैं काफ़ी व्लॉग्स में जो है पीछे मेरे जो व्लॉग थे उसमें ले चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें। और जहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो है वो ड्यूरेशन भी लगा कर आप बता दें कि भाई कितने जो किस किस ने जो है सही गैस किया, मैं देखूंगा कि कौन कौन सही गैस कर पाता है कि क्या सरप्राइज होगा। खैर अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी जल्दी जाते हैं, बाल वगैरह कटवाते हैं, अपनी सेटिंग वगैरह करवाते हैं, क्योंकि कल कॉलेज जाना है, इसकी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। वैसे मैंने बोला कॉलेज वाले डर न जाए, भाई ये कौन आ गया, इतने भूल न गए हों मुझे, कि हाँ वैसे भूल गए होंगे, काफ़ी दिनों से मैं गया नहीं नहीं भाई उनको चेहरे याद होते हैं कि ये आया था या नहीं आया था, ये होता है। खैर अभी निकलते हैं, बाल वगैरह कटवाते हैं, मैं सुबह से बोल रहा हूँ कटवाते हैं, कटवा आता हूँ भाई। मैं पीछे में जो है शॉप पर आ चुका हूँ और मेरे बाल कुछ इतने बड़े हो चुके थे, काफ़ी बाल बड़े हो चुके हैं, लग वैसे सही रहा हूँ मैं, अभी दिल करे ना कटवाऊँ लेकिन कटवा लेते हैं कुछ, ठीक है? जब भाई फारिग होते हैं जल्दी जल्दी से अपने बाल कटवाते हैं और आपको सरप्राइज दिखाते हैं। ओए गाइस मैं भी आया हूँ, कामरान के क्लास कर रहा था, उससे मैंने जो है साइकिल ली है, घर में बोर हो रहा था जिसे वर्दिश कर लेते हैं। और यहाँ पर लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये पाँच का ऊपर है ऊपर हो रहा, चलो निकलते हैं। साइकिल टूर लग गया हुआ है भाई साहब, काफ़ी टाइम बाद साइकिल चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए हैं। बाल में कटवाया था, उसके बाद लेने गया हाथ बालों को, और अभी नमाज वगैरह पढ़ ली है, खाना वगैरह खा के अभी बैठा ही था, एक लड़का आ गया उससे साइकिल लेके, बड़ा चक्कर लगाने का, बड़ा मज़ा आ रहा है। और बिल्कुल ही ये वो एल्यूमिनियम की साइकिल है, हल्की सी है, मज़ा आ रहा है, वही अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी मेरी। भाई मैं रखूँगा कैसे मोबाइल है, अभी मैं थोड़ी सी साइकिल चला लूँ, मिलता हूँ आपसे। क्या था स्पार्क वाली साइकिल, ये भी आपको दिखाऊँगा लेकिन अभी नहीं, प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा जब अपनी कानूनी का टूर करवाऊँगा आपको। यार थोड़ी सी ऐसी है ना, तो पीछे कमर में दर्द पड़ गया है, अभी सीधा जाऊँगा मैं अपना घर, उसको लड़के दूँगा जिसने इसकी ख़राब हो जाए साइकिल, जल्दी जल्दी जा के देखते हैं। टांगी का तो मेरा मसला नहीं है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है थोड़ा, यूँ झुकी हुई साइकिल है, पहले तो बिल्कुल इसकी सीट जो है पानी था नीचे, इतना मैं भी फोकस हो पा रहा है पता नहीं, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में पता नहीं जूम हुआ हुआ था पता नहीं क्या, आपको सही सही जो दिखी होगी या नहीं उसको एडिट कर लेना, फर्स्ट जो हो इस तरह ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आपको सरप्राइज भी दिखाना था, वो भी जाके आपको दिखाते हैं भाई साहब। ओए जल्दी पहुँचो यार, गड्ढे ये खुद ही बोल रहे थे भाई व्लॉग बनाओ उससे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे चला रहे थे यार? हमारी कमर में भी दर्द हो गया, चलाया करो ना रोज, चला कर देखो
थोड़ी सीट और ऊपर करो इसकी। नहीं नहीं सही है, इतनी तो सही है। साइकिल अच्छी है। कितने में दोगे? हाँ कितने में? नहीं नहीं है ना यार, फिर ऐसे ही ज़्यादा नहीं ले लिए, ली है बस। क्या बोल रहे, पागल हो गया? बाल दिखाओ, खेलोगे भी इससे? भाई शुक्रिया आपका। अरे अभी मुझे ग्लूकोज की ड्रिप लगेगी, तब जाके मैं सही हो जाऊँगा। अल्लाह हाँ, अभी आपको सरप्राइज दिखाते हैं। ओए भाई साहब, बड़ा अच्छा खासा एडवेंचर हो गया आज तो। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं अपना सेटअप। ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई थी साइकिल चलाने में। खैर अभी मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ भाई, क्या कुछ हो चुका है इन 4-5 महीनों में, कितने भी हुए हैं। ये रहे अपने बजीज, यहाँ पे रखे हैं। अंडे नहीं दे रहे भाई, इनको बोल दो, इनको कमेंट में बोल दो भाई अंडे दे दो, फिर ये जो है वो अंडे दे देंगे। खैर ये एक मैंने यहाँ पे इनके लिए मटकी लगाई है, एक यहाँ पे आया है, और इनका मैंने नाम रखा था, ये वो रही अल्फा और ये रहा चार्ली। ठीक है, इनके नाम मैंने आपको भी बता दिए। ये रही अल्फा ब्लू वाली और येलो वाला चार्ली। हाँ देख लीजिए अभी। और इनके लिए मैं पानी के बर्तन भी ले आया था, उसका भी लोग भी पड़ा हुआ है, अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। खैर अभी जो है वही है रहे अपने बबलू और बिल्लो। बबलू और बिल्लो के एक बुरी भी खबर है कि बबलू और बिल्लो ने जो है वो बच्चे निकाले थे। बबलू और बिल्लो जो ने बच्चा निकाले थे, और तकरीबन एक बच्चा ही निकला था, और वो भी नहीं बच पाया, वो भी मर गया। खैर आपको मैं यहीं पर थोड़ी सी क्लिप लगा के दिखा दूंगा। इस तरह का था और काफ़ी प्यारा था, पता नहीं वो क्यों था इतना कमज़ोर ना, बहुत ही मुश्किल हो गए थे। तो उसको मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी थी तो बच नहीं पाया। खैर अभी आते हैं हम सरप्राइज़ के पास। तो खैर तो उन बबलू और बिल्लो के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया केज, और ये बबलू और बिल्लो यहाँ पे अभी घूम रहे होते हैं। पता नहीं अब ये भी अंडे नहीं दे रही और ये भी अंडे नहीं दे रहे। अब बाकी रह गया सरप्राइज़, गेस करें क्या हो सकता है। सरप्राइज़ रहा यहाँ पर, इन्होंने बड़ा चीज भगाया है फिर यहाँ पे आए हैं। बड़े तंग करते हैं भाई, रात को बंद करने में भी काफ़ी तंग करते हैं, बड़े शरारती चीज़ है इसमें। गेस करें क्या होगा। काफ़ी व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि ये क्या है, तो अभी खोल दें इसको। तकरीबन इनको लाए हुए मुझे कितने, तकरीबन मुझे इनको लाए हुए तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। और इनको खोलें, खोल लेते हैं यार। आपका सरप्राइज़ कब से पड़ा हुआ है, ये रहे जी। आ जाओ आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। बड़ी बात है भाई, ये जैसे दरवाज़ा खोलता था वैसे ही भागे आते थे। आज इनको पता नहीं अपना घर पसंद आ गए, पता नहीं क्या। आ जाओ, ये रहे जी, आ गई एंट्री हो गई इनकी फर्स्ट। ये रहे जी, ये थे सरप्राइज, ये था, ये रहा मेल रैबिट और इसकी फीमेल जो अंदर बैठी हुई है। पता नहीं क्यों मुझसे डर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको बंद करने में काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि इधर उधर भागते हैं ना ये, बड़ा तंग करते हैं इनका। अभी दोनों अंदर हैं, अभी सही से पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए जो है ना सही से नहीं दिख रहे, वरना ये सारा दिन नखरे करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ बाहर इनके लिए घास लेकर आता हूँ, क्योंकि काफ़ी सुबह से काफ़ी भूखे हैं ये, तो जल्दी से इनके लिए घास लेकर आते हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, जैसे कि वो खा रहे हैं। और इनको भी देते हैं क्योंकि ये भी भूखे हैं। आ गई फीमेल बाहर, देखो ये रही फीमेल और मेल, आपने देखा था माशाल्लाह दोनों आ रहे हैं अभी बाहर। तो ये जो घर मैंने इनके लिए ही बनाया था, पहले मैंने डक यहाँ पे रखी थी, तो डक जो है वो यहीं पे अंडे बच्चे यहीं पे निकाले थे डक ने। ठीक है, तो इनको पहले मैंने अंदर रखा हुआ था, ये दरवाज़ा था इनका, लेकिन इनकी वजह से ना, इनकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहे थे। इनका वो तोड़ दिया था, वो जो घर बना हुआ है ना, तो इसको मैंने फिर से बनाया, इन्होंने तोड़ दिया था, बड़े शरारती हैं। और अभी ये काफ़ी भूखे हैं, तो माशाल्लाह। और कमेंट में बताना कि इनका नाम हम क्या रखें, तो बहुत ही
प्यारे नाम आपने कमेंट में जो है सजेस्ट करने, तो इनके नाम क्या होने चाहिए। तो कुछ मैंने सोचे हुए हैं, लेकिन आप अगर कमेंट में बता कमेंट करके बता देंगे तो और ही मज़ा आएगा भाई पढ़ने में। देखते हैं कौन 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 से कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रहे अपने रैबिट, एक ये रहा और एक ये रहा। ये काफ़ी प्यारा लगा था मुझे जब मैंने लेने गया था, और वो जो है वो तो है ही प्यारी। ठीक है, तो इनके लिए ये घर बनाया था, और कुछ इस तरह का मेरा सेटअप है। ठीक है, छोटा सा मैंने बचपन से शौक था मैंने रख लिया, तो माशाल्लाह से अभी कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे डक घूमते रहते हैं सारा दिन, यहीं पे घूमते रहते हैं, और शाम को खुद ही अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यही था, मैं इनके लिए घास अभी लेने जाऊँगा। तो यही था आज का सरप्राइज़। तो कमेंट करके बताना कि भाई आपको सरप्राइज़ कैसे लगा। तो इस वीलोग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो इनको मैं घास अभी लेने जाऊँगा, तो इनको घास भी दे देंगे। है, तो इसी वीलोग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यार थोड़े से वीलोग की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह शूट हो ये हो, तो कुछ आदत बन जाएगी, तो रेगुलर होंगे, तो इंशाल्लाह वीलोग भी अच्छे बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।